तो किसान भाइयों कैसे हैं आप। तो आज शुरू में हम लोग विकसित हुई चने की 3 नई किस्मों के बारे में बात करेंगे जो कि उपज रिकॉर्ड तोड़ देंगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चना रबी सीजन की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, लेकिन इसकी खेती में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चना की खेती की सबसे खास बात यह होती है कि इसकी खेती में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये फसल दलहनी कुल की है, इसलिए खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी भी पूरी होती है, साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। मगर ध्यान रहे कि किसान भाइयों को अपने क्षेत्र के हिसाब से ही चने की विकसित किस्मों का चुनाव करना चाहिए। और इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चने की 3 नई किस्मों को विकसित किया गया है और इन किस्मों के बारे में आपको यहां पे जानकारी दी जाएगी। तो जो पहली वैरायटी है वो है JG11, दूसरी वैरायटी है JG14 और तीसरी वैरायटी है JG24। तो आपको बता दें चने की इन 3 नई किस्मों में गर्मी वाले स्थानों पे आसानी से उगाया जा सकता है और इनके पौधे लंबे होते हैं और इनमें गेहूं की तरह हार्वेस्टर से काटा जा सकता है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित चने की JG11, 14 और 24 किस्म की फसल की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि सामान्य चने की फसल की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर की होती है। तो आइए जानते हैं JG24 किस्म जो है उसकी खासियतों के बारे में। तो आपको बता दें कि चने की JG24 किस्म की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से अधिक होती है और फल भी पौधे के ऊपर की ओर पाई जाती है। पौधे के फैलाव कम होता है, इसीलिए हार्वेस्टर से कटाई के दौरान नीचे जो दाने होते हैं वो कम गिरते हैं। ये किस्म करीब 110 से 115 दिनों में पक जाती है और इसके दाने आकार में बड़े और कत्थई रंग के होते हैं, साथ ही में इनका तना मोटा और मजबूत होता है और इसकी खासियत यह है कि यह पकने पर गिरते नहीं हैं। ये चना पुख्ता उगता रोग सूखने सड़न से खुद को बचाता है और इस किस्म की बुआई से 1 हेक्टेयर में करीब 20 से 25 क्विंटल तक की पैदावार हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि किन राज्यों में हो सकती है इसकी बुआई। आपको बता दें कि चने की इन किस्मों की बुआई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रहने वाले किसान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं JG11, 14 और 24 चने की अन्य खासियतों के बारे में। आपको बता दें कि ये किस्म 110 से 115 दिनों में पक जाती है। इसकी फसल दाना बड़ा, तना मोटा और मजबूत होते हैं और JG11 और 14 किसानों की पहली पसंद बन चुका है। JG11 दक्षिण भारत के लिए खासकर सूखा प्रतिरोधी उच्च उत्पादन वाली किस्म है, जिससे प्रति हेक्टेयर 15 से 18 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। यह किस्म आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के किसानों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो बस आज शुरू में इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। तो ऐसे मेरे वीडियो बने रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।